स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से बहुत सारे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, तो इस क्लास में हम लोग आर्टिकल का वन शॉर्ट कंसेप्ट समझने वाले हैं। आइए यहाँ पे देखा जाए, इंग्लिश में ई एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल शब्द का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, तो यहाँ पर ई एन द के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए तो ए एंड द किसके पहले आएगा, नाउन के पहले आएगा, इस बात को याद रखिएगा। वन शॉर्ट क्लास से भाषा कम लिखना चाहेंगे हम तो नाउन के पहले आएगा। आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या है, यहाँ देखिए ए और एन आता है जिसका सेंस वन से लेते हैं, मतलब ये एक चीज को व्यक्त करता है, समझ रहे ना। और इसका यूज जो होगा एस सी एन मतलब सिंगलर कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे लड़का कहा हमने तो बॉय क्या है, कंटेबल नाउन हो गया, ठीक है ना। तो बॉय कहने का मतलब एक लड़का, बॉयज कहने का मतलब एक से अधिक लड़का। डिफिनिट आर्टिकल मतलब क्या, द, ठीक है ना, इसमें द आता है और इसका यूज हम लोग कंटेबल नाउन हो या अनकंटेबल नाउन हो, कंडीशन के अनुसार दोनों में यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लिखा गया है देयर वाज ए किंग, एक राजा था। कौन राजा था, कहां का राजा था, कोई इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, यह अनिश्चितता की बोध कराता है, अनिश्चित बात है ये, क्लियर। तो इसीलिए इसको हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल के अंदर रखे हैं। यहां देखिए क्या लगा है, ए लगा है। किंग क्या एक नाउन है, नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है, याद रखिए बात। देयर वाज ए किंग, एक राजा था, इसमें ए का हो गया आपका आर्टिकल हो गया। कौन राजा था, कैसा राजा था, कोई कंफर्म नहीं है, तो ए यहां लगा तो पता चलाइए कि जो किंग है यह निश्चित नहीं है, यह इंडिफिनिट नाउन कह सकते हैं, इसको इंडिफिनिट नाउन बन गया, समझे ना। तो ए और एन लगता है तो क्या लगता है, वो नाउन इंडिफिनिट हो जाता है, समझ रहे ना बात बढ़िया से। चलिए यहां देखिए डिफिनिट आर्टिकल में द को लेते हैं हम लोग। यहां पर एग्जाम्पल है द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। एक घर की बात कर दिया, लेकिन कौन सा घर, जिस घर में हम रहते हैं वही घर, और घर कैसा है, न्यू। इस घर के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है, निश्चित घर, हमने कहा कि घर है। अरे भाई घर तो बहुत है, इन कौन घर जिसमें हम रहते हैं, नया घर है, हमने कहा नया घर है, बहुत सारा नया नया घर होता है, लेकिन नहीं, हमने कहा कि जो घर नया है उसमें हम रहते हैं, इसलिए इस हाउस के पहले द लगा है, साफ निश्चित कर दिया, इसलिए यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। बस बात को समझ जाइए बढ़िया से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए यूज ऑफ ए और एन, इसमें बहुत सारे बच्चों को होता है कन्फ्यूजन। जैसे एन एपल लिखते हैं, एन एपल है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे समझते हैं कि ए क्या है, ई आई ओ यू क्या है, यू, ये क्या है, वॉवेल्स है, और वॉवेल्स के पहले क्या होता है, एन का यूज होता है, ठीक है ना, एन का यूज होता है। तो ये आपकी मान्यता गलत है, ऐसा यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एच क्या है, आपके हिसाब से तो वॉवेल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, एन आवर लग जाएगा। यहां पे देखिए यू क्या है, भवेल है, लेकिन यहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा, यहां पे ए लगेगा, समझ रहे ना, बड़ा ए लिखिए, ए लगेगा। यहां क्या है, एम आपका कॉन्सोनेंट है, बट यहां पे एन लगेगा। अब बोलेगा सर ये गलती क्यों बता रहे हैं, देखिए गलती नहीं बता रहे हैं, देखिए बात क्या है, भवेल का खेल यहां पर नहीं है, सारा खेल क्या है, भवेल साउंड का खेल है, भवेल साउंड ध्वनि, समझिए यहां पर भवेल साउंड में अ आ ई ई इस सब टाइप के साउंड जो आता है, इसको भवेल साउंड बोलते हैं। क ख ग घ छ छ झ ट ठ ठ सब पढ़ते हैं ना, कवर टवर चवर सब का पवर हो गया, ये सब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर आता है। तो सुनिए तो क्या होगा, यहाँ पे समझिए बढ़िया से, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, देखिए वन शॉर्ट है, जितना कम में बताएंगे उतना अच्छा रहेगा। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगता है, ए लगता है, और भवेल साउंड के पहले एन लगता है। अब यहाँ पे आते हैं आवर, अब पढ़िए कैसे पढ़ेंगे, सारा खेल पढ़ने पर है, आवर, हावर थोड़े पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, तो आवर जो पढ़ लिया हमने, तो ये क्या हो गया, भवेल साउंड हो गया, इसलिए क्या लगेगा आपका, एन लगेगा। यूनियन यूनियन यू
यूनियन, यूनियन बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि य आ गया, य य तो य क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए क्या लग गया यहाँ पे ए लग गया, एम ए एम ए है ना। तो एम एम में पढ़ने में क्या लग रहा है कि ए पहले आ रहा है, एम एम ए, तो ए क्या हो गया वोवेल साउंड हो गया, इसलिए एन ए में लगा दिया हमने। सारा कहानी पढ़ने का है। अम्ब्रेला अम्ब्रेला देखिए अम्ब्रेला और से शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो एन लग जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ भवेल भी हो गया, भवेल साउंड भी मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि जब भवेल रहेगा तभी हम लगाएंगे एन, इससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। देखिए ए आई ओ यू में कॉन्सोनेंट साउंड मिल सकता है, भवेल साउंड मिल सकता है, सारा खेल क्या है पढ़ने के ऊपर है। एल पी एल पी स्कूल, इसमें इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा क्या एन लगेगा, एल पी एल ए से शुरू हो रहा है तो एन एल पी, समझ रहे ना। तो ए एन पर बहुत सारा प्रॉब्लम पूछता है, आपको डाउट नहीं होने चाहिए, समझ रहे ना। अब इसके ऊपर बहुत सारा चीज आपको बता रहे हैं यूज करके कैसे पूछेगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना जरूरी है तब जाके समझ में आएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ए और एन का करेक्ट यूज करना है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। कॉपर इज और क्या लिखना है आपको, ए या एन, यूजफुल मेटल, बताइए क्या चाहिए आपको। कॉपर में यहाँ पे दिया गया है कॉपर इज और यूजफुल के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, देखिए प्रोनाउंसिएशन कीजिए, यूज यूज ऐसे लिखेंगे। तो कौन सा साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड, यूज य आ गया तो य क्या हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पे लगेगा ए। तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ये आपका सही हो गया। अब ही इज और यहाँ दिया गया क्या खाली स्थान, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, नहीं वो क्या हो गया यहाँ पे, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसको पढ़िए ऑनेस्ट ऑनेस्ट अ आ गया, तो साउंड क्या है आपका भवेल साउंड है, तो क्या लगेगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, सुनिए। और सिर्फ लिखता क्या ही इज ऑनेस्ट लिखता यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या लगता है, ए की एन, तो यहाँ पे ना ए लगेगा ना एन लगेगा, इसके बाद एडजेक्टिव रहेगा यहाँ, यहाँ सॉरी इसके बाद नाउन रहेगा यहाँ पे, कोई ना कोई नाउन रहता है तब जाके लगता है, ठीक है ना, समझ रहे ना बात को, नहीं समझे। देखिए ही इज ए ऑनेस्ट गलती हो जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट गलती हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा अगर ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे भी हो सकता है, ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है, समझ रहे ना बात। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा गया ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ए और एन में दोनों में कुछ नहीं लगेगा, तो ऐसा केस नहीं है, सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि ए और एन में इस सेंटेंस में बताइए कौन कौन कहाँ भराएगा। यहाँ पे देखिए ही इज इंडियन खाली स्थान दिया है, बट हीज वाइफ इज यूरोपियन, सुनिए तो ही इज इंडियन 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 भवेल साउंड की बात है, तो ही इज एन इंडियन बट हीज वाइफ इज यूरोपियन यूरोपियन, तो यूरोपियन आ गया तो क्या हो गया ए यूरोपियन, साउंड का खेल है सारा। ही हैज ए पेन पेन प आ गया तो ए लगेगा यहाँ पे, एंड एंड इंक पॉट, इंक पॉट के पहले क्या लगेगा तो लगेगा एन इंक पॉट, समझ रहे ना बात। तो हीज इल्डर सिस्टर इज एन एस पी, क्या होगा एन एस पी एस पी एस पी, समझ रहे ना। तो सारा खेल साउंड का है, साउंड पकड़िए और आंसर करेक्ट बनाइए। आइए अब हम लोग चलते हैं द पर, कि द का करेक्ट यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, समझ रहे ना। इससे भी कुछ बातें मिल सकती है, उसको भी समझ सकते हैं आप, थोड़ा सा इस पर समझ लीजिए बढ़िया से, जो चीज़ें जरूरी है आपको वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना, आगे बढ़िए। तो द के यूज के बारे में पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, ए एन पर कुछ बातों को समझते हैं, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास करना है आपको। देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है कि ए एन क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता है। प्रॉपर नाउन समझ रहे हैं आप लोग, प्रॉपर नाउन पढ़े नाउन के प्रकार में, जैसे बिहार एक प्रॉपर नाउन है ना, मोहन एक प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले जैसे लिखा गया है वी लिव इन बिहार, ये क्या है सही है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले ए एन नहीं आया है, वी लिव इन ए बिहार, एक गलती हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा। तो ये चीज़ क्या हो गया, गलती हो गया, क्योंकि बिहार एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन में कोई भी नहीं आएगा, क्लियर। एक्सेप्शनल केस कहीं भी आपको आर्टिकल में दिखाई दे उसकी चर्चा मत कीजिएगा, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, सभी जगह एक्सेप्शन होता है,
ठीक है ना। तो अपवाद होता है हर जगह, किसी टॉपिक में, हो सकता है टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी टॉपिक में अपवाद आएगा तो उसकी चर्चा मत कीजिएगा, हम जनरली बात कर रहे हैं। चलिए, मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा मेटेरियल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। मेटेरियल नाउन क्या होता है? जिसे नापा या तोला जा सके, गिना नहीं जा सके। जैसे ए गोल्ड गलती होगा, एन आइस, ए गोल्ड गलती होगा, एन आइस, ए को सोना कैसे होता है? अब इसको कैसे हम लोग मैंने लिख सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन ए गोल्ड कहीं लिखा हुआ था गलती समझिएगा, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ठीक है ना। आइए, प्लूरल नाउन मतलब कि बहु वचन, समझ रहे ना, तब एक से अधिक जो नाउन की बात हो, एक से अधिक नंबर की बात हो, उस टाइप के नाउन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लूरल नाउन बोलते हैं। तो इसके पहले ए एन का यूज नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे ए बॉयज गलती है भाई, एन एपल्स गलती है, याद रखिएगा। ए एन का प्रयोग फूड आइटम के पहले नहीं होता है, फूड आइटम समझ रहे ना, जैसे चाय क्या फूड आइटम हो गया, आफ्टर ए लंच जैसे लिखा हमने यहाँ पे, क्या गिव ए टी, ए टी कैसे होता है? अब ए टी नहीं होता, आप कैसे लिखते हैं बात की बात है, लेकिन ए टी लिखा है, गलती हो गया यहाँ पे। आफ्टर ए लंच, लंच के पहले ए नहीं लगेगा, गलती हो गया ये, समझ रहे ना। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। और ए एन प्लस डायरेक्ट अगर क्या रहे, एडजेक्टिव रहे, विशेषण रहे, एडजेक्टिव के सिर्फ सिर्फ एडजेक्टिव रहेगा तो एन का प्रयोग नहीं होगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा तो एन का प्रयोग होगा। जैसे ही इज गुड, ही इज ए गुड गलती है, ही इज ए गुड बॉय सही है, ही इज ए गुड बॉय सही है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। देखिए, हम इस ढंग से बता रहे हैं कि आर्टिकल का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, समय दीजिए और क्वेश्चन बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, द के सेंस पे आते हैं, द का मतलब क्या है, द कैसे हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में, द का यूज हम लोग कैसे करेंगे इसके बाद, इसके बारे में समझते हैं। तो नाउन को डिफिनिट बनाने में, बस सिंपल बात, छोटा सा बात, नाउन को डिफिनिट बनाने में क्या करेंगे हम लोग, डिफिनिट बनाने में द का यूज करेंगे। जैसे समझिए, निश्चित बनाने में, साफ निश्चितता का जहां बोध हो, समझिए क्या, निश्चितता का जहां बोध हो वहां द का यूज होगा। जैसे यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, मतलब आप वही आदमी है जिन्होंने हमारी मदद की। तो जैसे निश्चित व्यक्ति की बात हुई, निश्चितता की बात हुई, ये नाउन क्या हो गया, डिफिनिट हो गया यहाँ पे। तो इसके पहले द आया, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पोल्यूटेड, खास कुआं की बात की जा रही है यहाँ पे। दिस वेल, इस कुआं की पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल, कहाँ की पानी, इस कुआं की पानी। तो कौन सा वाटर, तो इस कुएं की वाटर, स्पेशल कोई कुआं होगा, निश्चितता का बोध हो रहा है। जब निश्चितता का बोध होगा, जहां सर्टन सिटी की बात होगी, वहां पे क्या लगेगा, द लग जाएगा। तो इसके पहले द लगेगा, डिफिनिट नाउन हो गया ना। दीज आर द गर्ल्स हुम आई, दीज आर द गर्ल्स हुम आई हैव इनवाइट, लेकिन हमने कहा कि ये वही लड़कियां हम जिसे हमने इनवाइट किया है, समझ रहे ना बात। तो जहां पे क्या है कि अस्पष्टता की बात हो, निश्चितता की बात हो, वहां पे लगेगा द। तो ये गर्ल्स क्या हो गई, डिफिनिट हो गई, डिफिनिट नाउन आ जाएगा, ये डिफिनिट नाउन की श्रेणी में आ गई, इसलिए यहां लगेगा द। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं शानदार तरीके से यहाँ पे अगला, मतलब कि रूल, बहुत सारा रूल है लेकिन जो निश्चित है उसी को बताएंगे, अच्छा है उसी को बताएंगे, मतलब ज्यादा जरूरी है उसी को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा में क्या है, लिखे हैं हम द नेम ऑफ, देखिए यूनिक ऑब्जेक्ट्स, अनूठी वस्तुएं जो दुनिया में साफ एक ही बार दिखाई दे आपको, एक ही हो, एक ही हो। जैसे द सन, सूरज एक है, चांद भी एक है, धरती भी एक है, ताजमहल भी एक है। तो यहाँ ताजमहल के लिए यहाँ द ताजमहल लिख सकते हैं। तो जिस जो वस्तु दुनिया में सिर्फ अकेलौता हो, उसके पहले द लगाएंगे, याद रखिएगा, द सन, द अर्थ, समझ रहे हैं बात बढ़िया से। दूसरा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारतें, जैसे लाल किला के पहले क्या लगेगा, लाल किला के पहले क्या लगेगा, समझिए बढ़िया से, यहाँ पे, यहाँ पे बड़ा लिखेगा। तो लाल किला के पहले क्या लगेगा, यहाँ पे लाल किला के पहले द लगेगा, क्योंकि लाल किला क्या है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है। द ताजमहल, ताजमहल क्या है, इकलौता भी है और यहाँ पे हिस्टोरिकल क्या है, बिल्डिंग है, इसलिए द लगेगा यहाँ पे। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस पार्टी, जन भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, ये सब क्या है, पार्टीज की नाम है क्या, तो इसके पहले द लगा है। देखिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पहले द लगा है। अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र समझते हैं ना, तबला के पहले द लगेगा यहाँ पे, पियानो के पहले द लगेगा यहाँ पे, समझ रहे ना, पियानो के पहले क्या लगेगा यहाँ पे, द लगेगा। देखिए उसके बाद कह रहा है, रिलीजियस कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है, धार्मिक समुदाय जो होता है,
जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, तो ऐसे द लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सी मतलब कि समुद्र, ओशियन, महासागर, रिवर्स, नदी, ये सब के पहले द लगता है, द रेड सी, द गंगाज, है ना, द प्रशांत महासागर, मतलब प्रशांत महासागर का नाम सुने है ना, तो उसके पहले क्या लगेगा, तो उसके पहले भी मतलब लग जाएगा आपका द, क्लियर। उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्टिक ओशियन, ऐसे आता है। तो ये सब समझ रहे ना, तो ये दूसरा में देखिए, ये सब चीज देखते देखते आपको याद हो जाएगा, समझ रहे ना बात। चलिए फटाफट आते हैं तीसरे रूल पर, ज्यादा रूल नहीं बताएंगे, बस जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहे हैं, समझे ना। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा, एस टी का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब एडजेक्टिव का एस टी या एस टी फॉर्म जो होता है, जैसे बेस्ट, टॉलेस्ट, यंगेस्ट, सब नहीं सुने हैं, मोस्ट, ये सब। तो द एस डी मतलब एस डी के पहले द लगेगा, क्या रहेगा, द लगेगा, याद रखिएगा। देखिए एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, हमको एक्सेप्शन लेना देना नहीं है यहाँ पे, सीधे डायरेक्ट रूल समझिए। तो द के एस डी के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, टॉलेस्ट क्या है, एस डी, एस डी के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, समझ रहे ना बात को। ही इज द बेस्ट, बेस्ट क्या है, एस टी है, इसके पहले द आ गया, ही द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो एस डी के पहले द लगेगा। होता क्या है कि यहाँ पे दे देगा आपको ए, कहेगा गलती है कि सही है, तो भाई देख लीजिएगा ये नहीं लगेगा, द लगेगा। चलिए और अगला है द प्लस ओरिजिनल एडजेक्टिव्स, ओरिजिनल एडजेक्टिव के पहले, ओरिजिनल एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, द लगता है। ऑर्डर दिखा रहा है एडजेक्टिव, ओरिजिनल एडजेक्टिव में क्या आएगा, वे का मतलब ओरिजिनल एडजेक्टिव लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब आता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब एडजेक्टिव क्या होते हैं, ओरिजिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, और इनके पहले लगता है द। जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ए लगेगा कि द लगेगा, तो यहाँ लिखाएंगे द, तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए नेक्स्ट बस या द नेक्स्ट बस, द नेक्स्ट बस, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस बुक का लास्ट चैप्टर, चार रूल हुआ। एक और रूल पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया, जो इंपॉर्टेंट है, देखिए रूल बहुत है लेकिन समझिए बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए पांचवा क्या है, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन एक स्ट्रक्चर देखिएगा यहाँ पे, नाउन ऑफ नाउन के में क्या होता है, जो पहला नाउन होता है उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, नाउन है ये पहला नाउन, N1 है या दूसरा नाउन है, तो पहले नाउन के पहले क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए, तब सही होगा। तो द नाउन द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, सही है। वाटर ऑफ दिस रिवर, नाउन ये हो गया, नाउन ये हो गया, बीच में ऑफ आ गया, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, क्या होगा, पहले नाउन के पहले द लगेगा, द वाटर ऑफ दिस रिवर। अगला पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम, मतलब पार्ट ऑफ बॉडी का नाम हो, ठीक है, जनरली देखिए एक्सेप्शन छोड़कर, तो उसके पहले द का यूज करते हैं। जैसे सी वाज वुंडेड इन लेग, अब यहाँ पे लेग क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए लेग दे देगा, समझे ना, तो ए लेग रहेगा तो गलती हो जाएगा, हमारा क्या रहेगा, द लगेगा। आई कॉट हिम, सॉरी हिम, आई कॉट हिम बाई द आर्म, तो आई कॉट हिम बाई द आर्म, देखिए यहाँ पे क्या आर्म हो गया, पार्ट ऑफ बॉडी हो गया, समझ रहे ना बात को, तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे द लगेगा, समझे ना। छह रूल हुआ, बहुत सारा रूल है आर्टिकल्स में, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, इतना सारा आर्टिकल का रूल बताया हमने जो आपके लिए यूजफुल है, आगे भी बहुत सारे यूजफुल रूल्स मिलेगा, बस एग्जाम्पल में समझाएंगे। बट अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं कि आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, बस कुछ बता दे रहे हैं, जैसे ए एन, ए और एन के साथ क्या बताए थे, कुछ टिप्स बताए थे, वैसे ही बताए थे यहाँ पर भी, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा से देखिए, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और देखने के बाद किसी बुक को उठाइए और देखिए आर्टिकल का जाकर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बहुत सारा प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना, जानना जरूरी है। तो देखिए सब्जेक्ट का नाम हो, किसी भाषा का नाम हो, लैंग्वेज, गेम्स या स्पोर्ट हो, उसका इस सब का नाम आएगा तो क्या होगा, मतलब इस सब के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ही इज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अब यहाँ पे क्या करेगा, लगा देगा ए, गलती हो जाएगा, समझ रहे ना बात, द लगा देगा तभी गलती हो जाएगा। देखिए जनरली ऐसा होता है, सी कैन स्पीक द हिंदी लिख देगा यहाँ पे द हिंदी,
तो द हिंदी गलती हो जाएगा, तो सी कैन स्पीक हिंदी सही है हमारा, ये सही है हमारा, ठीक है ना, तो ये सब नहीं यूज होना चाहिए। द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी कहेगा तो गलती होगा, लेकिन सिर्फ हिंदी तो सही है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदी क्या एक भाषा का नाम है, लैंग्वेज है, हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो पहला ऐसा रूल जब आपके सामने आया, क्या समझे आप, कि कभी भी क्या हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम हो, लैंग्वेज का नाम हो, या गेम या स्पोर्ट का नाम हो, तो क्या होगा, उसके पहले हम लोग यूज नहीं करेंगे क्या चीज़, माने आर्टिकल, समझ रहे ना बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए दूसरा देखिए, नेचर साइंस वर्ड हो, डेथ की बात हो, लाइफ लव, ये सारे वर्ड अगर व्यापक अर्थ में, बड़े अर्थ में यूज किए जाते हैं तो उनके आगे, सॉरी उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल, क्लियर। जैसे लव इज ग्रेट, उसका प्यार इसका प्यार नहीं, सीधे लव के बारे में बोला कि ग्रेट है ये चीज, तो व्यापक अर्थ में है, तो क्या लगेगा, द लव अगर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं द लव इज ग्रेट ग्रेट, तो गलती हो जाएगा। मैन इज मॉर्टल, सभी आदमी मरता है, व्यापक जनरल फॉर्म में बात कर रहा है, जनरल बात कर रहा है ये, तो जनरल बात करेगा तो क्या होगा, नहीं लगेगा आर्टिकल। वहीं कह दिया द मैन इज मॉर्टल, भाई गलती है। वोमेन इज मैंस मेट, औरत क्या होती है, मर्द की साथी होती है, पता है आपको, ये बात सिंपल बात है, मतलब जनरल फॉर्म में बात किया गया है, तो यहाँ द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गलती हो जाएगा। तो आर्टिकल से दो ऐसा रूल हुआ जिसमें आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, स्कूल कॉलेज जेल कोर्ट बेड हॉस्पिटल सबकी बात हो, और उसका मेन काम क्या है, मौलिक उद्देश्य, मौलिक उद्देश्य का मतलब है कि स्कूल में क्या करने आते हैं, हम लोग पढ़ने जाते हैं, बेड पर क्यों जाते हैं, सोने जाते हैं, कॉलेज में क्यों जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, जेल में कौन जाता है, अपराधी जाता है, तो मौलिक उद्देश्य मेन जो काम होता है स्कूल में, उसी काम से अगर रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया है तो उस सेंटेंस में क्या होगा, इन सबके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे आई गो टू द रहता, यहाँ पे तो क्या होता, द रहता तो गलती हो जाता, आई गो टू द स्कूल डेली गलती हो जाएगा, तो आई गो टू स्कूल डेली हमारा बिल्कुल 100% सही है। द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, बोलिए यहाँ पे गलती सही है, ये गलती हो जाएगा, क्यों गलती हो जाएगा, क्योंकि देखिए आदमी घायल है तो कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा, नहीं ना जाएगा, जाएगा वो कहाँ पे, हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे मौलिक काम के लिए जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन फंडा क्या है, हॉस्पिटल में जाना, तो जाना किस आदमी को, इंजर्ड मैन को, घायल आदमी है वो, ठीक है ना, तो द यहाँ पे क्या होगा, गलती हो जाएगा, तो सही क्या होगा, द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, ये रहा शानदार तरीका। तो आर्टिकल से हमने आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एक अच्छा प्रयास किए हैं आपके लिए ताकि आप अच्छा से कर सकें। चलिए आगे भी हम आपको बहुत सारा चीज लेकर आ रहे हैं, समझाएंगे सब कुछ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।